सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आज एक फायरबोल्ट का ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करूँगा, रिव्यू दूँगा आपको कि कैसा है, नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो चलिए देखते रहते हैं। तो फर्स्ट अगर बॉक्स करने की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि बॉक्सी सेप में आया हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसके पहले में भी एक फायरबोल्ट का ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग किया था, अगर देखना चाहते हैं उसका लिंक आई बटन में छोड़ दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप देख सकते कि यहाँ पे फायरबोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर देख, एंड देन लिखा हुआ है ब्लूटूथ कॉलिंग एंड स्मार्ट वॉच, वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है इसमें। एंड ये कुछ दिखना, इसका जो है बहुत सारा कलर वेरिएंट है, जैसे वाइट है, ब्लैक है, तो मैंने जो है वाइट कलर में इसको मंगवाया हूँ। एंड सब इसका जो मॉडल है वो फोनिक्स प्रो है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ये फोनिक्स प्रो, ओके। एंड इसमें लिखा हुआ है इसका जो है 1.39 इंच का डिस्प्ले इसमें मिल जाता है, ठीक है, विद इन बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर, यानी कि इसमें से आप कॉल को रिसीव या आपको कट करना तो कर सकते हैं, एंड इसमें से आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली वॉच से, ठीक है। और इस साइड में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स में इसमें लिखा हुआ है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे इसमें मिल जाता है अपना मेटल बॉडी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें हार्ट रेट सेंसर है, इसमें ट्रैकर है, ऐसा कुछ है। और इसमें आप देख सकते हो ऊपर में इस साइड में देखा जाए तो इसका ब्रांडिंग दिया हुआ है, कुछ नहीं है इस साइड में, ठीक है। और पीछे का देखा जाए तो इसमें मेन स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन किया हुआ है कि मेक एंड रिसीव कॉल फ्रॉम द वॉच, स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग मोड जो है वो इसमें लिखा हुआ है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन एंड ब्रेक बॉल्स, फोटो क्लाइंबिंग एंड टेनिस एंड वो लिखा हुआ है, ठीक है। मॉनिटर में देख सकते हैं, हार्ट रेट सेंसर मिलता है, SPO2 लेवल का देख सकते हैं आप, स्लीप मॉनिटरिंग देख सकते हैं, सेकेंडरी एंड ड्रिंक वाटर रिमाइंडर एंड स्लिप्स एंड कलराइज एंड डिस्टेंस, इतना कुछ मॉनिटरिंग मिल जाता है। कंट्रोल जो है वो डिस्प्ले, उसके बाद अपना इनकमिंग कॉल्स एंड मैसेजेस, नोटिफिकेशन, टाइमर, इसमें लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन। प्राइस की बात किया जाए आप देख सकते हैं कि 11,999 का है, लेकिन आपको लगभग 1300 में मिल जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। बेस्ट बाय लिंक में यूट्यूब में सॉरी लिंक में छोड़ दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बारकोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एंड्रॉयड एंड iOS का सपोर्ट मिल जाता है इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है, फिर से इसमें फायरबोल्ट का लोगो दिया हुआ है, एंड देन इसमें इसका ये जो वॉच है, इसको वॉच को मैंने खोला था जस्ट वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, वो ओपन करके दिखाया था मुझे, ठीक है। तो वॉच है और इसमें अपना आप देख सकते हैं कि एक केबल मिलता है, जो केबल का लेंथ आप दे सकते हैं लगभग इतना सा केबल है, अगर देखा जाए तो इतना सा केबल है, तो बड़ा ठीक ठाक ही है केबल, वैसा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक ठाक केबल मिल जाता है आप लोग। एंड इसमें एक अपना यूज़र गाइड दिया हुआ है, यूज़र मैनुअल, ठीक है, यूज़र मैनुअल देख सकते हैं। और एक फायरबोल्ट का इंडिया नंबर वन स्मार्ट वॉच, ग्लोबली स्मार्ट वॉच, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, और इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसके बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर न्यू रैपिंग में से आया हुआ है, इसमें एक ऑलरेडी इसमें सेंसर के ऊपर एक अपना स्टिकर है, ठीक है, एंड ये चार्जिंग पॉइंट है, एंड इसमें कुछ सेंसर दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हार्ट रेट सेंसर, एंड इसमें मेड इन इंडिया इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अच्छी बात है कि जो है वो मेड इन इंडिया है, आप देख सकते हैं इसमें क्लियरिटी, इसमें लिखा हुआ मेड इन इंडिया, ठीक है। फायरबोल्ट का इसमें ब्रांडिंग दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसका बात की जाए तो ये जो अपना फ्रेम है वो मेटल का है पूरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो है वो आपको मिल जाता है ऐसा कुछ डिस्प्ले, ठीक है। स्ट्रिप का बात किया जाए तो ये बहुत ही सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, अच्छे स्ट्रिप मिल जाते हैं आपको, वैसे कंफर्टेबल है देखने में और पहनने में भी, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बटन, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हैं स्वाइप अप, स्वाइप डाउन में टाइप्स ऑफ, इसमें बहुत सारा इसमें मेनू दिया हुआ है, जैसे कॉल बड़ा बंद हो रहा है, ठीक है, और ब्राइटनेस वगैरह आप स्क्रीन पर ब्राइटनेस देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसमें इस साइड में भी कुछ आपको क्विक एक्सेस मिल जाता है, क्विक एक्सेस करने के लिए,
इस साइड में देखिए, ठीक है, इतना कुछ है क्विक एक्सेस के लिए आपको मिल जाता है इस साइड में, ठीक है। अभी मोशन लिखा हुआ है इसमें, अभी इस साइड में जाऊँ तो बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं। अभी इस पर कोई ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मैं जस्ट कल ही लिया था, तो अभी इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कि इसको पेयरिंग करना होगा, उसके बाद इसको सेटल करना होगा, जो भी चीज़ होता है, ठीक है। और अभी इसका ऐप भी डाउनलोड करना होगा एक्चुअली। तो इसका आज का रिव्यू इतना ही था, एक कुछ ऐसा दिखता है। तो आप अगर आपको गोल्ड डायल यानी कि राउंड शेप में डायल पसंद है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरा फुल स्क्रीन इसमें मिल जाता है। उसके बाद इसमें अपना खुद का कंट्रोल भी मिल जाता है। देखिए कोई भी कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो पेयरिंग बता रहा है क्योंकि अभी वो पेयर नहीं है मोबाइल से, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।